दुनिया पर रेड बटन के इस्तेमाल का खतरा कैसे मंडरा रहा है। यूक्रेन जंग में पुतिन दबा सकते हैं रेड बटन, कई देशों ने जताई है रेड बटन दबाने की आशंका, यानी कि पुतिन उस रेड बटन को दबा सकते हैं। कई देश इस बात की आशंका को लगातार जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, और आखिर ये रेड बटन होता क्या है और ये हमेशा पुतिन के पास क्यों रहता है, डिटेल में आपको विस्तार में आपको समझाते हैं। पुतिन का रेड बटन ब्रीफ केस, जरा इसको भी देखिए समझिए। पुतिन के पास हमेशा एक सीक्रेट ब्रीफ केस रहता है, ब्रीफ केस में न्यूक्लियर हथियार के सीक्रेट बटन होते हैं। पुतिन जहां भी रहे सीक्रेट ब्रीफ केस उनके साथ होता है, स्पेशल कोड के जरिए ही इसे खोला जा सकता है। ब्रीफ केस का स्पेशल कोड सिर्फ पुतिन को ही पता है। सीक्रेट ब्रीफ केस में कई तरह के बटन होते हैं, 1 से 9 और 0 की गिनती वाले ये बटन होते हैं। एक सफेद, लाल और ग्रे कलर का बटन भी होता है। लाल बटन दबाकर न्यूक्लियर हथियार एक्टिवेट होते हैं। पुतिन के आदेश से ही एटमी ब्रीफकेस का इस्तेमाल होगा। साल 1983 से रूस में सीक्रेट ब्रीफकेस का इस्तेमाल हो रहा है और अब पुतिन के ही हाथ में है। सिंह सर, ये सारी डिटेल्स हम दर्शकों को बता रहे हैं, हम ये भी सुन रहे हैं अपने पैनलिस्ट से कि ये डेटरेंस के लिए है वेपन, लेकिन इन सब के बीच मुझे जो एक चीज समझ में आती है वो ये कि पुतिन तो अनप्रेडिक्टेबल है। कोई उनका पॉलिटिकल डेटरेंस रूस में है नहीं, जो वो कहेंगे वो आखिरी निर्णय होगा और वो क्या कहेंगे ये दुनिया के किसी आदमी को पता नहीं। देखो, एक डिक्टेटर जो होता है ऑटोक्रैट, वो अनप्रेडिक्टेबल ही होता है, पर जहां तक ये परमाणु हथियार का इस्तेमाल है, 2019 में रशिया ने एक एक्सरसाइज की थी और उसके बाद उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये बनाई कि वो परमाणु हथियार बैटलफील्ड में इस्तेमाल करेंगे जब उनको जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि जब ये परमाणु हथियार इस्तेमाल होंगे तो ये एक एस्केलेटरी लैडर बोलते हैं उसके मुताबिक होंगे। दैट मीन्स सबसे पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होंगे, आर्टिलरी सिस्टम, मिसाइल्स करेंगे, और कौन से टारगेट होंगे उनके मिलिट्री टारगेट्स, जो कि वॉर मेकिंग मशीन उनकी फैक्ट्री है उनको बर्बाद करेंगे, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। यानी इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है पुतिन के केस में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।